डीडीए की हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि डीडीए ला रहा है 15,000 फ्लैट्स की स्कीम। जी हाँ, ये वो फ्लैट्स हैं जो पिछली स्कीमों में सरेंडर हो गए थे या फिर अलॉट ही नहीं हो पाए थे, जिसको बेचने के लिए अब डीडीए ने अथॉरिटी के अधिकारियों की मीटिंग रखी है, जिसके बाद इस स्कीम को दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के मुखिया अनिल बैजल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उपराज्यपाल की ओर से अगर डीडीए की पॉलिसी को मंजूरी मिल जाती है तो इन 15,000 फ्लैट्स को खरीदार मिलने की उम्मीद है। बता दें, साल 2021 की शुरुआत में डीडीए ने हाउसिंग स्कीम पेश की थी, जिसके तहत जो फ्लैट नहीं बिक पाए थे उनके लिए 15,000 फ्लैट्स की स्कीम निकाली है। सूत्रों के मुताबिक डीडीए की हाउसिंग स्कीम में वसंत कुंज, द्वारका, जसोला और नरेला में फ्लैट का ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा साल 2014 और साल 2019 में डीडीए स्कीम में निकले फ्लैट्स को मौजूदा योजना में शामिल भी किया जा सकता है। हालांकि इस स्कीम में पेंट हाउस और 3 BHK शामिल नहीं है। दरअसल डीडीए की पिछली कुछ हाउसिंग स्कीम को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, जिसके चलते साल 2021 में आई हाउसिंग स्कीम में भी करीब 51% फ्लैट्स सरेंडर हुए थे। 1354 फ्लैट्स में से करीब 694 फ्लैट्स डीडीए की द्वारका, जसोला जैसी लोकेशन पर सरेंडर हुए हैं। बता दें, इस समय डीडीए के सिरसपुर, नरेला, द्वारका, जसोला, रोहिणी कई जगह काफ़ी फ्लैट्स खाली पड़े हैं और इन्हीं फ्लैट्स को बेचने के लिए डीडीए 15,000 फ्लैट्स के लिए स्कीम ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।